हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन देखा जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण क्या होता है जो हम लोग देख सकते हैं, देख के महसूस कर सकते हैं, इस तरह का प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि डाई हाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका तो कोई ऑर्डर होता नहीं, कलर भी नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा कोई थोड़ी है जिसको डाई हाइड्रोजन दिखा होगा। क्या हाइड्रोजन क्या होता है, पहले इसे कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डर भी इसका कोई नहीं होता है और टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, मतलब इसका कोई स्मेल आपको नहीं मिलेगा और टेस्ट टेस्ट के कुछ होता है नहीं, यानी कैसे आता जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट होता है, इसके ना तो कलर होगा ना ऑर्डर होगा ना ही टेस्ट होगा। सेकेंड में क्या होता है, पता है कि क्या होता है, वाटर में स्लाइटली सोलुबल होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होगा। पानी में अब ऐसे आपसे पूछा गया सर, पानी में कौन सा गैस ज्यादा सोलुबल होगा, जिसका मोनोनॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब साइज तो छोटा नहीं दिए लेकिन उसपे अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा नहीं दिए, एंड जिसको लिक्विड बनाना ईजी हो, मतलब जो वाटर के साथ हेडफोन बना ले, हाइड्रोजन बना ले, वह अच्छा सोलुबल होगा। या फिर दूसरा याद कर सकते हो कि जो वाटर में क्या होता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर दे, दो तरह के गैसेस वाटर में अच्छा सोलुबल होता है, पहला कि जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन बनाते हैं। एच के पास क्या होगा, एच टू, तो इसका यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब होता है क्योंकि इतना टेम्परेचर इसको जैसे ही मिलेगा ये किसे बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, इससे कम टेम्परेचर होगा तब यह लिक्विड हो सकता है। अरे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, -236.9 डिग्री है, तो यहाँ आपको पता है कि इतना से कम करना पॉसिबल नहीं है, मर जाएंगे लोग। तो यहाँ क्या होता है, इसीलिए हमेशा गैस में रह गए, इसमें डालने के बाद लिक्विड बनाना इसको आसान नहीं है, अगर लिक्विड नहीं बनेगा तो वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, स्लाइटली सोल्युबल होता है, मतलब बहुत कम। देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो और वाटर का 100 वॉल्यूम होगा, इसका कितना वॉल्यूम होगा, 2 वॉल्यूम होगा, इसका मतलब यह एस एस मानिए 100 ml वाटर की बात करेंगे तो उसमें केवल 2 ml H2 गैस हो सकता है, 100 में 2, मतलब ऐसे याद रखिए वाटर क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस जो होता है वाटर में स्लाइटली सोल्युबल होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट होना क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पूरा केमिस्ट्री में सबसे हल्का कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन ही, इससे हल्का कोई मिलेगा, कोई नहीं मिल सकता, हाइड्रोजन का H2 होता है, H2 का वेट नहीं करेगा, कितना होगा, 2 होगा। बाकी आप हीलियम को ले लीजिए, कितना होता है, 4 होता है। तो पूरा प्रेडिक्ट में सबसे और लाइटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो भी कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ जी यहाँ क्या होगा, इसका नेचर कैसा होता है, ये तो पता है कि डायक्रोमिक होता है, क्योंकि हमको पता है कि कभी भी हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखेंगे तो H नहीं लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, H2 ही लिखते हैं, यह क्या हो जाएगा, डायक्रोमिक हो जाएगा। अगर ये बस सीधी से देखो, ये होता क्या है, गैस होता है, अब गैस का हमको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सिंपल से कमी होगा, यहाँ सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर इतना नहीं, किसी बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, लगभग इतना ही होगा। तो याद करना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों गैस का हमेशा कमी होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि मेल्ट मतलब गला नहीं है, पहले से गैस में है, बॉइल मतलब गैस में है, तो पहले से गैस, तो फिक्स की जरूरत क्या है, मतलब बिल्कुल माइनस में आएगा, 0 से कम ही रहेगा, जितना भी गैसेस है सबका 0 से कम होता है। हाइड्रोजन के मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट होता है रियली बहुत कम होगा, जिसमें 18 केल्विन होता है, ठीक है, मतलब 18 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और 36 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये माइनस में काफी आगे निकल जाएगा। ऑक्सीजन का आपको बात कीजिएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, 182 होता है, नाइट्रोजन का 192 होगा, तो ये क्या होता है, सब माइनस में रहता है, तो इसीलिए कोई भी गैसेस होगा याद रखिएगा लोग, 0 से कम ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, 0 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। और ये क्या होगा, इंटीजर हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब इनफ्लेमेबल मतलब होता है जलने वाला, याद रखिए नेचर में जितने भी जलने वाला पदार्थ है सबसे अच्छा मतलब जलने वाला हाइड्रोजन होता है, सबसे अच्छा फ्यूल कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। इसका कैलोरी की वैल्यू कितना होता है, 150 किलो कैलोरी पर मोल पर ग्राम, तो जितना नेचर में होगा और सबसे पूछा सबसे अच्छा मतलब कौन सा इनफ्लेमेबल गैस है, तो हाइड्रोजन ही होगा, जितना भी हो सबसे अच्छा कैलोरी की वैल्यू भी हाइड्रोजन का होता है, तो हाईली इनफ्लेमेबल है, अच्छा से जलता है, जिसलिए इसको ना हैंडल करना क्या होता है, मतलब हैंडल मतलब इसको रखना बहुत टफ होता है, कहीं भी रखते हो तो केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक रखा जाता है ताकि कहीं से लीक ना हो जाए, क्योंकि लीक होगा इनफ्लेमेबल है, आग लगने की संभावना रहता है। तो याद रखिएगा लोग, हाइड्रोजन जो होता है हाईली इनफ्लेमेबल होता है, जिस कारण से इसको रखना मतलब ये हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसको कहीं भी हैंडल करते हो रखते हो तो बहुत ध्यान पूर्वक रखा जाता है, केयरफुली रखा जाता है। और इस हफ्ते इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको प्रेडिक्टर पढ़ने वहां इसको पढ़ाया जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए H+ बनाना है,
तो इसके लिए जो एनर्जी लगता है रियली सबसे मतलब सबसे ज्यादा हीलियम होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन का रेडिएशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन इनफिनिटी का वैल्यू इसका नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन लेना तो पसंद करते हैं लेकिन ज्यादा लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा क्या बनता है एच माइनस, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो उनका इलेक्ट्रॉन देना चाहिए तो ले तो सकता है लेकिन अनस्टेबल होता है। यह क्या होगा, इसका हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होता है। यह देखिए वैल्यू डिनोट क्या कर रहा है कि लेने के लिए इतना है और देने मतलब देने के लिए इतना है और लेने के लिए इतना है, यानी कि हाइड्रोजन क्या पसंद करेगा, देना जल्दी पसंद करेगा क्योंकि इसके लिए एनर्जी कम है और लेना जल्दी पसंद नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी क्या है ज्यादा है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद रखिए, यह वैल्यू याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ यूज आता है, जब ऑर्गेनिक पड़ेगा तो हमेशा यूज आएगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपस में अपने तरफ अट्रैक्ट करने का खींचने का जो पावर होता है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 2.1 है, कम ही है मतलब काम चल रहा है ठीक ठाक है। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वो हो गया जिस टेम्परेचर जो डिसाइड करता है कि वह लिक्विड के स्टेट में पाया जाएगा गैस में, कौन डिसाइड करेगा प्रेशर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर कह सकते हैं एक दीवार का काम करता है गैस और लिक्विड के बीच में। और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इसका बहुत ज्यादा होता है मतलब कि बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू से ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ इसका कम होता है, पीछे बॉन्ड एनर्जी वैल्यू क्या होता है क्योंकि होमोएटॉमिक है और दोनों का साइज छोटा होता है तो जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ का वैल्यू जब दोनों हाइड्रोजन छोटा छोटा है तो अच्छी चीज पास उसके बीच का गैप भी क्या होगा छोटा ही होगा। अगर सोचिए ना दो छोटे बाबू हाथ ऐसे मिलाए गए तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा कम ही रहेगा ना, बड़े बड़े लोग हाथ के बराबर है तो दोनों के बीच का गैप निकल जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ कम होता है और बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है क्योंकि दोनों के बीच का तोड़ना मुश्किल होता है। यहाँ से हाइड्रोजन का प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने लो, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे तरीके छोटा छोटा वीडियो बना रहे ताकि मतलब आप लोग का देखने में प्रॉब्लम ना हो और देख के लिख के कॉपी में नहीं गए। और इसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ नोट मिलेगा। टेस्ट देना चाहते हैं तो जो इसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक को इंस्टॉल कर लेना।